मोरनी में पकड़ी अफीम की खेती। हरियाणा रोडवेज चालक ने लगा रखे थे 1200 पौधे। हरियाणा रोडवेज का एक चालक मोरनी से 15 किलोमीटर दूर गांव थाना बडियाल में चोरी छिपे अफीम की खेती कर रहा था। सीएम उड़न दस्ते ने गुप्त सूचना पर सोमवार दोपहर को आरोपी के खेत में छापा मारा तो इसका खुलासा हुआ। मौके पर अफीम के 1200 पौधे मिले। फिलहाल आरोपी कमल फरार है। शिकायत पर चंडी मंदिर थाना पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीएम उड़न दस्ते को सीआईडी ने मोरनी के पास अवैध रूप से अफीम की खेती की सूचना दी थी। जांच के बाद सोमवार दोपहर सीएम उड़न दस्ता के प्रभारी जय कुमार ने एसआई गुरमीत सिंह और मोरनी पुलिस चौकी प्रभारी कमलजीत सिंह के साथ गांव थाना बडियाल में कार्रवाई की। जांच में पता चला कि आरोपी कमल ने नवंबर 2022 में अफीम के पौधे लगाए थे। अब फसल तैयार है, पौधे में डोरे आ चुके हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह में इनसे अफीम निकालने की तैयारी थी। इससे पहले ही सीएम उड़न दस्ता को इसकी सूचना मिल गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी मोरनी के गांव थाना बडियाल का ही रहने वाला है। छापेमारी के बाद मौके पर ड्रग कंट्रोलर व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। प्राथमिकी जाँच के बाद केस को चंडी मंदिर थाने को सौंप दिया गया। आरोपी कमल गेहूँ की फसल की आड़ में अफीम की खेती कर रहा था। जहाँ अफीम की खेती की गयी है उसके चारों तरफ गेहूँ की फसल लगाई गयी थी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन अफीम के पौधों की ऊंचाई बढ़ने के बाद मामला मोरनी से पंचकूला पहुँच गया। यहाँ से पीएम उड़न दस्ता सूचना दी गई। सूत्रों के अनुसार व्यापार के लिए अफीम की खेती की जा रही थी। पंचकूला जिले में इस तरह का यह पहला मामला है। यह इलाका हिमाचल सीमा के नजदीक है। जानकारी के मुताबिक मार्च अप्रैल माह के दौरान मध्य प्रदेश व राजस्थान से अफीम चूरा पोस्ट व डोडा की सप्लाई बंद हो जाती है। ऐसे में अफीम की सप्लाई करने के इरादे से इलाके में इसकी खेती की गई थी। सीएम उड़न दस्ते को कुछ दिन पहले ही मोरनी के जंगलों में अफीम की खेती की सूचना मिली थी। ललित शर्मा SSO चंडी मंदिर थाना पंचकूला ने कहा कि सीएम उड़न दस्ता की टीम ने छापेमारी की थी। इसके बाद हमें सूचना दी गई। फिलहाल आरोपी के खिलाफ सीएम उड़न दस्ता की शिकायत के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है।